तो भाई देख सकते हो बद्रीनाथ, चमोली, गोपेश्वर, चोपता। ला दुपट्टा दोबारा गाना लगाया जरा। बहुत ज्यादा अच्छा डेकोरेशन है इस जगह पे यार। तो मैं इस समय बिस्तर के अंदर हूँ और काफ़ी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा। मजाक मत समझना है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं अभी लगभग 7-8 बज रहे हैं अभी तक, ठीक है? तो अभी तक बिस्तर से उठे नहीं है। और जो मेरा प्लान है आज, जो जिस पे मैं जिस टॉपिक पे आप बात करने वाला हूँ, वो है चोपता के ऊपर। तो चोपता के ऊपर मैंने काफ़ी चोपता तुंगनाथ की काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको चोपता भी दिखाऊंगा और आपको वहाँ के होटल, या आप कह सकते हो कि टेंट और उसके रेंट, तो मैं पूरा रूम दिखाऊंगा आपको, होटल मतलब टेंट कैसे होते हैं, अंदर भी दिखाऊंगा आपको कि क्या उनकी अंदर क्या क्या फैसिलिटी रहती है। और होटल जो वहाँ के चोपता में जो होटल है बने हुए, तो उनके अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा, कैसे होटल हैं वो बने हुए, ठीक है? तो आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो उसी चीज़ पे होगा। और फिर आगे अगर और अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी तो मैं आगे बताऊंगा आपको, और नहीं दिखेंगी तो फिर जो आज का मेरा टॉपिक है वो बताऊंगा आपको मैं। तो फिर चलते हैं यार, दिखाते हैं आपको प्यारे व्यू, प्यारी जगह और प्यारे होटल्स। चलो फिर। तो मैं घर से निकल गया हूँ। तो हेलो गाइज, मैं हिमांशु होता हूँ, वेलकम टू यूके ब्लॉगर। दिखाते हैं फिर आगे आपको। तो भाई हम मक्कू वाली रोड से आए थे और यार इस समय हम होटल में, तो यार काफ़ी प्यारा होटल है यार, काफ़ी मतलब इसकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है। तो ये पूरा होटल है भाई यहाँ पर, पूरा का पूरा। तो मैं यार यहाँ के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि यार यहाँ पर जो होटल है इनकी मतलब बोलते हैं डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा बना रखा है इनने। तो आप इसका शेप देख सकते हो, जैसे स्नोफॉल में आपने देखा होगा काफ़ी जगह बने हुए रहते हैं ऐसे। तो पूरा लकड़ी का है। और भाई रूम देखो, रूम इतना बढ़िया रूम है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन है इस जगह पे यार। तो बैठने का से लेकर हीटर से लेकर सोने तक दो बेड है इस जगह पे। तो इन लोगों ने यार काफ़ी अच्छा बना रखा है होटल, इस होटल को काफ़ी सुंदर बना रखा है और काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो यार थोड़ा वॉशरूम देख लेते हैं यहाँ। वाह यार वाह, क्या बाथरूम है यार भाई, मतलब इतना गंदा टाइपिशन कर रखा है जगह पे। मैं भी इस जगह पे पहली बार ही आया हूँ इस जगह पे। तो भाई यहाँ इस जो होटल इन्होंने बना रखा है भाई, पूरा लकड़ी का काम है इस पे, पूरा का पूरा लकड़ी का काम है भाई। और थोड़ा आपको बाहर से दिखाता हूँ कि बाहर से कैसा है। तो यार बाहर से देख सकते हो बाहर से कितना बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से पूरा फैमिली रूम है और ऊपर भी है होटल, पूरा पूरा होटल ही है। तो यार सही में काफ़ी अच्छी जगह है। और कभी अगर चोपता आते हो कभी घूमने के लिए तो यहाँ पर ज़रूर रुकना, मक्कुवाली रोड में पड़ता है होटल। तो यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं इस जगह से, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है और यहाँ से मतलब इस रोड से काफ़ी ज़्यादातर ये होता है कि आप ये कह सकते हो कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है इस रोड पर। काफ़ी लोग कुंडे से होके आते हैं, हम मक्कू वाली रोड से होके आए, क्योंकि बीच से निकलती है रोड करती है।
तो कभी चोपता होगे तो इस जगह पे जरूर आना, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेस है और काफ़ी अच्छी जगह भी है, होटल भी काफ़ी अच्छे बना रखे हैं उनने। तो मैंने आपको रूम दिखा दिया, और यहाँ पर बुफे लगता है शायद से, जब बहुत बड़े मतलब फैमिली लोग आते हैं तो खाना खाने के लिए इस जगह पे काफ़ी अच्छा है। तो भाई मैंने आपको पूरा होटल दिखा दिया, काफ़ी अच्छा है। और यार चलते हैं यहाँ से, लगभग चोपता ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 5-10 किलोमीटर दूर है यहाँ से चोपता, तो चोपता चलते हैं, वहीं जाके दिखाते हैं फिर आपको और आगे। चलो फिर भाई, इनका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है इस जगह पे यार, बहुत प्यारा डेकोरेशन, तारीफ़ करनी पड़ेगी इन लोगों की यार, जिनने बनाया है और जिनका माइंड लगा है इस जगह पे। तो हमारी साक्षी बेटा काफ़ी खुश है आज, पता नहीं क्यों, काफ़ी जगह बन नहीं हुई है, तो चल रहे हैं हम सीधा आगे, और आगे जाके दिखाते हैं आपको और प्यारी जगह। तो भाई देख सकते हो, बद्रीनाथ, चमोली, गोपेश्वर, चोपता, और भाई ये है, ये वाला रूट है जिस रूट से हम आए हैं। तो भाई ये रूट ये रहा, हम इस जगह से आए हैं, एक रोड ही है और एक ये रोड ही है, ये कुंड से होके आती है और ये मुक्कू से होके आती है वाली रोड, तो हम इस रोड से आए। ये रोड थोड़ा कच्ची है मगर बहुत काफ़ी सरल पड़ता है, और आगे चल रहे हैं आप सीधा। तो भाइयों ये है चोपता, और हमारी गाड़ी है उधर पे खड़ी हुई दिख रही है, और कुछ छोटी सी दिख रही है। तो भाई ये है पूरा चोपता, और चोपता में हम चल रहे हैं पैदल यहाँ से, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ चोपता दिखाने आया हूँ आपको, और चोपता ही दिखाऊंगा। तुंगनाथ की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुंगनाथ का। तो भाई चोपता में ये सारे के सारे होटल्स हैं, मतलब एक कैंप टाइप के बना रखे हैं उनने। और स्नोफॉल पड़ी है ऊपर तुंगनाथ में, तो थोड़ा वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। वैसे तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ उस जगह की, मगर दिखाऊंगा फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि जब यहाँ तक हम आ ही चुके हैं तो दिखाने में कुछ नहीं जाता। तो यार भाई यार, तुंगनाथ का जो मतलब जो चोपता में जो टेंट है वो ऐसे होते हैं, और इनके अंदर दिखा देता हूँ तुम्हें। इसके अंदर ये देखो आप, चेयर लगी हुई और बेड लगे हुए हैं, टेंट हाउस है। तो भाई ऐसे होते हैं टेंट, और काफ़ी अच्छा इनने सही कर रखा है, मतलब अंदर से बेड वुड है अंदर। तो इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना यहाँ का बजट है, कितना क्या है, सब चीज़ बाद में बताऊंगा आपको मैं। तो आप देख सकते हो ये चीज़ें यहाँ पर,
तो भाई ये है टेंट लगेगा। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं चोपता के, थोड़ा ऊपर चलते हैं जहाँ पर स्नोफॉल पड़ी हुई है, क्योंकि इस टाइम पे स्नोफॉल पड़ी हुई नहीं है यहाँ पर, शायद से ऊपर पड़ी हुई मगर नीचे नहीं पड़ी हुई। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है जगह पे, अभी हाल ही में तो पड़ी नहीं है। तो थोड़ा चाय या नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख काफ़ी लग गई है। चलो फिर ढाबा ये है, यहीं पर हम चाय नाश्ता करेंगे। नाश्ता क्या करेंगे, चाय करेंगे क्योंकि नाश्ता तो हम करके आए हैं। तो भाई यहाँ पर ढाबा है चोपता पे, तो यहीं पर करेंगे। लाल दुपट्टा दोबारा गान लगाए जरा, लाल दुपट्टा भाई सही है दर्द। तो भाई हमारी चाय आ गई बिल्कुल स्पेशल, पी यार पी ना, अब क्यों इतना इतना क्यों कहाँ पूरा भाई। और वो बन रहे हमारे समोसे, अंकल जो समोसे बना रहे हमारे लिए। तो नाश्ता हमारा यही है, चाय और समोसे। तो हम भी बैठ जाते हैं चाय वीडियो बनाई। अरे यार बिना वीडियो के यार तो समझता नहीं बात को यार भाई। चाय का कलर देखो कितना प्यारा चाय का। तो भाई समोसे भी तैयार हो गए। मेरे पुतली ए मेरे पुतली, क्या ठंड लग रही, जड़ लो ना जड़ू है, जड़ लो ना जड़ू। तो भाई चोपता में थोड़ा बहुत स्नोफॉल पड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं पड़ी हुई है, इतनी पड़ी हुई है कि तुम आ सकते हो जगह पे, स्कूटी में आ सकते हो, बाइक में आ सकते हो, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाइक भी चल सकती है। मगर कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे चोपता में आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बर्फ काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। ना 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 ना। ये बोल दे लड़ाई कर दे रहा। भोले तो ग्लव्स खराब ना कर, तुम्हें ग्लव्स खराब क्यों होना यार, दियो ऑफिस झड़ी की दियो सर सब तुम्हें की बहन कुछ खरी नहीं सकता ना नहीं लाल का यू हम कुछ कर नहीं सकते। अब बर्फ निकल नहीं रही है मन नहीं है यार, ज्यादा नहीं पड़ी बर्फ है। ये पकड़ दे अब गार्ड बड़ा हो जाती बर्फ था बताओ लोग पता नहीं पैसे चोरते हैं बहन चीज, ये बर्फ चोर रहे हैं, ऐसे भी लोग इस दुनिया में। तो पहले पहले आप चलो बता, ठंड नहीं भाई तुझे आकाश ठंड नहीं दिया। ये भाई जिसने तो भाई बिल्कुल सेफ ऐसा बना दिया इसका कि छी बहन पता नहीं कहाँ कहाँ डाला। तो यार मैं रूम की बात करता हूँ, रूम काफ़ी अच्छे हैं यहाँ, या आप टेंट ले लो या आप कुछ भी ले सकते हो, या होटल ले तो होटल भी, यहाँ मैंने आपको होटल भी दिखा दिए वीडियो में और टेंट भी दिखा दिए। तो यार यहाँ के जो होटल्स और जो टेंट का वो है प्राइस है तो लगभग यार 1200 रुपये पर बेड है, तो बेड के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो एक बेड है 1200 का, और सीज़न के टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर सीज़न चल रहा है तो 1200 रुपये बेड है, और अगर सीज़न नहीं है तो लगभग 800 या 700 तक हो जाएगा। तो मैं चोपता की बात करूँगा, तुम चोपता में लोगे, अगर तुम थोड़ा नीचे लोगे थोड़ा पीछे साइड लोगे तो लगभग 600 रुपये बेड है,
अगर थोड़ा पीछे लोगे आप तो ये सीन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो पीछे लाइक और कमेंट जरूर करना भाइयों, और शेयर भी करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।